ब्रॉड टू यू बाई टेक्नो स्पाक ट्वेंटी सीरीज स्मार्टफोन्स राजनीतिक करने वाले कुछ भी हैं वी भद्रम न पश्चत जो विरोधी होते हैं कल्याण नहीं देखते वो अनेक प्रकार से जो उनके अच्छे कार्य हैं सत्तारूढ़ के सरकार की उसमें भी उनको लगता है कि ना ही खराब है सब पर आलोचना और इस प्रकार से दोष लगाते हैं और कहते हैं ये सब कुछ जो कुछ भी होता है वो चुनाव चौबीस के चुनाव को देख कर के होता है ऐसा कहते हैं कहा कि कोर्ट में चल रहा है जो कुछ होगा कोर्ट से होगा और वही हुआ पहले लोअर कोर्ट में फिर हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हो चुका वह अपने आप में अद्वितीय है विलक्षण है आज भी लोग आश्चर्य करते हैं कि 500 वर्ष के जो विवाद थे और उसको इस, इस प्रकार से शांतिपूर्वक उसका समाधान हो गया और देश में किसी प्रकार की कोई भी विवाद भी नहीं हुआ। लेकिन कई जने कहते थे कि मंदिर की जगह अस्पताल बन जाए स्कूल बन जाए उनके लिए क्या कहेंगे यही नहीं कहते थे कोई लोग कहते शौचालय बन वहाँ जो ऐसी ऐसी से बातें आती थी, थी कि उस को से अलग उस धर्म से कोई अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि वो धर्म ऐसा है कि जन जन में व्याप्त है सनातन धर्म क्या है कृत्य प्रति कर्तव्य में इस धर्म सनातन अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी स्वतंत्र दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद है छोटे काशी जयपुर पधारे हैं महाराज श्री अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है ऐसे में अब लोकसभा चुनाव है चुनाव के नजर से देखा जाए कि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है क्या कहेंगे आप देखिए चुनाव जो होता है राजनीति होती है और मंदिर धर्म नीति होता है जो धर्म है उसकी व्यवस्था अलग है और जो राजनीति है उसकी अलग है इसलिए भगवान की कृपा सभी के ऊपर होती है और युग पर या पर कृपा राम का हो ता कृपा करें सब कोई अब राजनीति के दृष्टिकोण से जो भगवान राम का भव्य मंदिर आज बन करके के तैयार हुआ और लगभग 500 वर्षों के प्रतीक्षा की बात हुआ भक्तों की इस प्रकार से इच्छा रही मंदिर बने भगवान हमारे रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो लेकिन उसके लिए तमाम संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक कि जब तेईस तेईस दिसंबर उन्नीस सौ उनचास को रामलला उस प्रकट हुए उस भव्य मंदिर में उसमें विवादित ढांचा में उसके बाद में वो भी वहाँ पूजा शुरू हुई 6 दिसंबर को कार्य सेवकों द्वारा उसको गिरा दिया गया और उसको गिराने के बाद में रामलाल त्रिपाल में होंगे और तिरपाल में टेंट में रहने से बहुत ही परेशानियाँ रही अट्ठाईस वर्ष तक टेंट में रहे और आज वो समय आया कि भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं जो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और सुख शांति है भक्तों के दर्शन भी अच्छी प्रकार से हो रहे हैं जो भक्तों की इच्छा रही वो पूरी हुई और भगवान रामलला भव्य मंदिर विराजमान राम रामलला की जिस मूर्ति को आपने उस विध्वंस के समय बचाया था या यूं कहे कि छुपा कर रखा था सुरक्षित रखा था अब उस मूर्ति के दर्शन को लेकर भी राजनीति हो रही है कुछ राजनेता दर्शन तक नहीं करने मंदिर पहुंच रहे हैं नहीं बहुत बातें आई हैं उसके संबंध में और वास्तविकता यह है कि जो हमके रामलला के पक्ष में विजय मिली है वो उसी राम लला के प्रतिमा पर ही राम विराजमान रामलला के नाम से ही ये कोर्ट में लड़ा गया और उन्हीं के नाम से विजय मिली और जो आज भव्य मंदिर बना है इसलिए लोग राजनीति करते हैं लेकिन उसकी कोई उपेक्षा नहीं हुई है जहाँ पर ये नई मूर्ति जिनकी प्राण प्रतिष्ठा बाईस जनवरी की हुई जहाँ पर वो विराजमान है उसी जगह वो आ, जो रामलला तेईस दिसंबर उन्नीस सौ उनचास को प्रकट हुए थे उनकी पूजा आज तक चली आ रही है वो अभी वहीं पर विराजमान हैं राजनीति करने वाले कुछ भी हैं बादी भद्रम न पश्यत, जो विरोधी होते हैं कल्याण नहीं देखते वो अनेक प्रकार से जो उनके अच्छे कार्य हैं सत्तारूढ़ के सरकार की उसमें भी उनको लगता है कि ना ही खराब है सब पर आलोचना और इस प्रकार से दोष लगाते हैं और कहते हैं ये सब कुछ जो कुछ भी होता है वो चुनाव चौबीस के चुनाव को देख करके होता है ऐसा कहते हैं लेकिन ये बात नहीं है देखिए भगवान हमारे अंतर्जामी हैं जो उनके काज करता है वो स्वयं उनके काज करते हैं भक्तों के अधीन है और बोले यूपी में योगी और देश में मोदी इन दोनों के काम को कैसे देखते हैं आप देखिए जिस समय लोकसभा में विजयी होकर के मोदी जी आए और विधानसभा में ए, योगी आदित्यनाथ जी आए उस दिन नारा लगा ऊपर मोदी नीचे जोगी अब नहीं तो कभी नहीं यदि अब मंदिर नहीं बना तो कभी नहीं बन पाएगा क्योंकि जोगी और मोदी का जो संजोग है वह एक प्रकार से राम भक्तों में विश्वास था कि इन्हीं के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण होगा ऐसा सभी में विश्वास था और परिणाम यह हुआ वैसे भक्तों के ये संतों को बैठ करके एक प्रस्ताव मांग किया गया था मोदी जी से कि आप इस विवाद को शांति करने के लिए और इसका समाधान के आप कोर्ट में आप अपने संसद में अध्यादेश लावें जिस अध्यादेश के माध्यम से भक्तों को रामलला के पक्ष में आदेश दें जिससे मंदिर बने लेकिन इस पर उन्होंने इनकार कर दिया कहा कि कोर्ट में चल रहा है जो कुछ होगा कोर्ट से होगा और वही हुआ कि जब पहले लोअर कोर्ट में फिर हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हो चुका वह अपने आप में अद्वितीय है विलक्षण है आज भी लोग आश्चर्य करते हैं कि 500 वर्ष के जो विवाद थे और उसको इस इस प्रकार से शांतिपूर्वक उसका समाधान हो गया और देश में किसी प्रकार की कोई भी विवाद नहीं उत्पन्न होगा लेकिन कई जने कहते थे कि मंदिर की जगह अस्पताल बन जाए स्कूल बन जाए उनके लिए क्या कहेंगे यही नहीं कहते थे कोई लोग कहते शौचालय बन जाए वहाँ जो ऐसी ऐसी विभद से बातें आती थी कि वहाँ पर शौचालय बन जाए अस्पताल बन जाए और बन जाए धर्मशाला बन जाए बहुत कुछ कर देते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि जब अस्पताल बनना है धर्मशाला बनना है तो मंदिर बनने में कौन सी परेशानी है अस्पताल बनने से तो मस्जिद के पक्ष नहीं हुआ धर्मशाला बनने में स्कूल बनने में यह से तो मुस्लिम पक्ष के तो कोई लाभ नहीं हुआ तो उसके स्थान में मंदिर बनने से क्या आपत्ति है ऐसे भी लोग जो कहते थे वो ये नहीं सोचते थे कि इसमें जो मुस्लिम पक्ष मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं उनको क्या लाभ होगा इसीलिए उनके इन बातों से मुस्लिम पक्ष सहमत नहीं था कभी भी कि वो नए वहाँ अस्पताल बने स्कूल बने और ही बने उनके ही रहा कि वो मस्जिद ही रहे ऐसी बातें चलती रही अगला प्रधानमंत्री देश का आप किसको देख रहे हो देश के प्रधानमंत्री हैं और वही रहेंगे नरेंद्र मोदी बस जो नरेंद्र मोदी क्योंकि जो जनता के कार्य करते हैं जनता उनको ही अपना चुनती है और इस वर्ष भी दो वर्ष चुनाई चुन करके प्रधानमंत्री बनाएंगे और ये चौबीस के चुनाव में भी भाजपा ही सरकार आएगी और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ही होंगे राम मंदिर बनने के बाद एक चीज जरूर हुई कि युवा अब कहीं ना कहीं सनातन की ओर वापस रुख करने लगे हैं सनातन युवा को नहीं सनातन ही का अर्थ ही है सदा से आने वाला जो धर्म है वो सनातन धर्म है और उस को से अलग उस धर्म से कोई अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि वो धर्म ऐसा है कि जन जन में व्याप्त है सनातन धर्म क्या है कृत्य प्रति कर्तव्य इस धर्म सनातन है जो मेरे प्रतिकर्ता है उसके प्रति मैं भी करूँ यही सनातन धर्म है तो वो सनातन धर्म जो है वह सब में व्याप्त है माता पिता की सेवा करना सनातन धर्म की कार्य है सनातन धर्म है सबकी सेवा करना सनातन धर्म है तीर्थ वर्त में जाना भगवान की पूजा अर्चना करना ये सब सनातन धर्म है तो छोटी कार्य से लेकर के बड़े कार्य से सभी सनातन धर्म हैं तो सनातन धर्म से अलग कोई नहीं है हाँ अब क्योंकि देखने में ये आया कि जो पक्ष भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नकार दिया था और ये कहते थे कि क्या, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है वो अस्तित्व को नकारने वाले को अब सोचना पड़ रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस प्रकार से भक्तों की भीड़ हुई जो अपने आप में आलोचन, मैंने विलक्षण व्यवस्था है और अद्भुत दिखाई दिखा दिया कि कैसे इतने लोग और दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं आ गए हैं इतनी भीड़ आ गई है जैसे मालूम पड़ता है कि पूरी अयोध्या नहीं पूरा देश ही राम राम्मा, राममय हो गया हो तो यह देख करके सभी को हुआ कि नहीं गलती हुआ जो हमने वहाँ दर्शन करने नहीं गए या जो कुछ भी है लेकिन जो भी आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों में जो श्रद्धा विश्वास और उनके सनातन धर्म जागृत हुआ है वो अपने आप में विलक्षण अद्भुत लेकिन देश में गाय बगाए खबरें आ जाती हैं कि धर्मांतरण की खबरें बहुत आ रही है आजकल उसको कैसा रोका जाए क्या सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए जिसे धर्मांतरण ना हो देखिए उसके कई कारण हैं वो धर्म परिवर्तन जो हो रहा है धर्मांतरण हो रहा है उसमें कई प्रकार से रोका जा सके एक तो वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से वैज्ञानिक दौर से ही देखें कि आप और उन दोनों में जो अंतर है वह इस प्रकार से नहीं होना चाहिए क्योंकि विज्ञान के दृष्टि से वो गलत है क्योंकि तो जैसे हम सोचते हैं वैसी संबंध है दोनों का बन नहीं पाते इसलिए धर्मांतर रोका जा रहा है उसके बाद में कठोर से कठोर ऐसे कानून बनाए गए हैं जिस कानून के माध्यम से उनको रोका जा रहा है यह भी हो रहा है कि कहीं पर ऐसे जो लोग धर्मांतर करते हैं उन पर अधिक से अधिक दंड के विधान किया गया है जिसके भय से वो धर्मांतरण न करें तो तमाम प्रयास ऐसे हैं जिसे धर्मांतरण रोका जा रहा है और रुका है और भविष्य में भी इस प्रकार से धर्मांतरण जो हो रहा है उस पर रोक लग जाएगी धन्यवाद ये थे अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सतन्द्रदास जी महाराज जो कि करीबन तीस सालों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है जहां पर राम मंदिर राम लल्ला के वहां पर वो पूजा करता है राम टेंट में थे तब भी उन्होंने पूजा करने शुरू कर दी थी उसे नौ महीने पहले उसके बाद अभी भी राम मंदिर के मुख्य पुजारी बने हुए खास तौर पर जो दर्शन करने के लिए राम मंदिर से कतरा रहे हैं उनको भी कड़ा संदेश दिया साथ ही एक बात उन्होंने कही कि भावी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा जयपुर